वेलकम टू ऑनलाइन ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पहला लिंक दिया है। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप ऐसे इंटरफेस पर पहुंचेंगे और आपको यहाँ पर मुझे फॉलो करने का ऑप्शन भी दिख जाएगा। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको पूरे बेसिक से एडवांस लेवल की इंग्लिश सिखाएंगे। अभी हमने आपके लिए 6 लेसन अपलोड कर दिए हैं और धीरे धीरे करके आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं इंग्लिश हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ नया करते हैं, तो हम आपके लिए इंग्लिश की क्लासेस लेकर आ गए अनअकैडमी पर। सो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये आपकी रिक्वेस्ट पर लेकर आया हूँ। आपको पता ही है, मैं इसरो की आपके लिए वीडियो लेकर आया था अप्रेंटिसशिप की, जिसका मैंने यहाँ पर जो ये स्क्रीन शॉट लगा रखा है। अगर आपने ये डिटेल वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो इसका लिंक मैंने जो है यहाँ पर आई बटन पर लगा दिया। आप यहाँ से जाकर जो है क्लिक करके देख सकते हैं, ताकि आपको डिटेल्स मिल जाए। यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्म फिल करके बताऊँगा, क्योंकि आप बार बार कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि सर आपने बोला था इस दिन लेकर आ जाओगे, आपने सर झूठ बोला, आप जो है 20 तारीख को फॉर्म नहीं लेकर आए। तो भाई थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ें लाने में। इसके अभी 28 तारीख है, अभी जो है आपके पास बहुत समय, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखें, तभी आप जो है इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दूसरा लिंक जो दिया है, मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, आप जो है मेरी वेबसाइट ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान.com पर पहुंचेंगे और नीचे आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने जो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगी। आप यहाँ से भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं और आप जो है वीडियो आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, अप्लाई ऑनलाइन हेयर, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप पहुँचेंगे ऐसे इंटरफेस पर। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप पहुँचेंगे ऐसे इंटरफेस पर। यहाँ पर जो है आपको ग्रेजुएशन अप्रेंटिस, टेक्नीशियन, डिप्लोमा अप्रेंटिस, वोकेशनल अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस लाइब्रेरी साइंस वाली दिख जाएगी। तो मैं आपको ट्रेड अप्रेंटिस वाला फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ, यानी ITI वाला, क्योंकि ITI बच्चे मेरे पास साथ जो है बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए फिल करके बता दूँ। बाकी एक एग्जांपल आपको मिल जाएगा डिप्लोमा वालों को, वोकेशन वालों को, तो वो ईजिली इसको फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसी आप जो है इस पर क्लिक करेंगे, ये जो अप्लाई पे इस पर क्लिक करना है आपको, इस पर क्लिक करते ही आप पहुँचेंगे सीधा डायरेक्टली फॉर्म पर। ऊपर आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन ITI चूज़ हुई मिलेगी और यहाँ पर अपनी ट्रेड आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने फिटर से यहाँ पर फिल किया, तो फिटर से मैंने चूज़ किया। यहाँ पर फुल नेम आपको डालना है, मिस्टर यहाँ पे ऑलरेडी होगा। अगर आप जो है लड़की हैं तो चेंज करके आप कर सकते हैं। शिव कुमार मैंने जो है नाम लिखा, ईमेल ID डाली, उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिंगल डाला। अमित कुमार इंडिया सिलेक्ट किया, नेशनैलिटी जेंडर में मेल और कैटेगरी जनरल से यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं। एड्रेस अपना प्रॉपर डालना, क्योंकि कोई भी आपका कम्युनिकेशन होगा वो आपके एड्रेस के थ्रू भी हो सकता है। और अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोनों चीज़ें जो है आप डाल देना। मैंने जो है अल्टरनेटिव यहाँ पर छोड़ा हुआ है, लेकिन आप इसे छोड़ना मत। और मेल ID भी आप जो है गलत मत लिखना, क्योंकि अगर आपकी एक बार गलती से गलत हो गई तो वो ठीक नहीं होगी फॉर्म सबमिट होने के बाद। और सारा जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका मेल के थ्रू या फिर कॉन्टैक्ट के थ्रू ही होगा। तो ये वाला पार्ट हम खत्म कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने एजुकेशनल या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ओर। तो यहाँ पर आपको अपना 10th का बोर्ड लिखना है, जैसे बोर्ड CBSE से यहाँ पर किया हुआ है, तो आप जो है जहाँ से आपने किया वो लिख सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग 2013 था। परसेंटेज जो आई इसकी, यहाँ पर 72% आई और ग्रेड जो है फर्स्ट मिला इसको। और ITI में आपको यहाँ पर क्या डालना है, या तो SCVT या फिर NCVT आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। 2016 में पास किया था इन्होंने ITI। यहाँ पर मैंने इनके मार्क्स डाल दिए। मार्क्स डालने के बाद जो है मैंने यहाँ पर ग्रेड डाला फर्स्ट। आपको बता दूं, यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखने, ये मत लिख देना आपके इतने नंबर आए, आपको परसेंटेज यहाँ पर टोटल लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, डिटेल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अगर आपने ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आपको जो ये फिल करना पड़ेगा, ये सारा का सारा क्राइटेरिया। अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखी ऑलरेडी, तो आप जो सीधा नो पे क्लिक करेंगे और आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आगे बढ़ते हैं। ये जो है इसी के नीचे का पार्ट है, जो बच्चे बार बार बोल दे कि सर हमें तो ये नहीं पता चल रहा कि रेफरेंस में क्या डालें। तो रेफरेंस में मैं यही बोलूँगा कि आप जो है दो अपने ऐसे दोस्तों के नाम डाल दीजिए जिन्हें आप अच्छे तरीके से जानते हो और जिनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमेशा एक्टिव रहता हो, क्योंकि उन्हें कभी भी कॉन्टैक्ट
करके कुछ भी डिटेल्स पूछी जा सकती है। या तो आप ऐसा करें, अपने जो है सिस्टर का जो फिर मैरिड जो या तो मैरिड है या फिर अपने रिश्तेदार का ही आप जो है यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें ये मत बताना कि ये हमारा रिश्तेदार है, इससे काम आपका चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है उसका जिसका भी आप जो डिटेल्स रेफरेंस दे रहे हैं, यहाँ पर एड्रेस लिखना है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। फिर दूसरे में भी ऐसा ही करना है, दूसरे आपको जो है किसी फ्रेंड का या फिर रिलेशन में जो है उसका यहाँ पर लिखना, उसके बाद एड्रेस लिखना और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखना। फिर यहाँ पर जो आप सीधा कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद आप नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे, आप बढ़ेंगे इस पर, आपको नेक्स्ट टैब में खाली डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन आएगा और नीचे आपकी डिटेल आएगी। आप DOB यहाँ पर डालेंगे और नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो आप पहुँचेंगे इस पर अपने फॉर्म पर, आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके का आ जाएगा, आपकी डिटेल्स यहाँ पर सारी की सारी दिख जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, नीचे आपको चेक का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप जो जितनी भी डिटेल्स आपने फिल की है, आपको जो है एग्रीमेंट है वहाँ पर, आप जो एग्री करते हैं उससे, फिर आपको जो है यहाँ पर सीधा एग्री एंड सबमिट पे क्लिक करना है और आपसे पूछेगा कंफर्म करने के लिए, आप कंफर्म कर देना और आगे बढ़ जाना। आगे आप जो है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस बटन पर एग्री एंड सबमिट पर, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और आपकी डिटेल्स जो है सबमिट हो चुकी होगी, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका होगा। आपका यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है। बस आपको क्या करना है, ये जो थर्ड वाला पार्ट है, ये थर्ड लाइन जो है क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको जो है PDF यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप जो है अपना PDF डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप पर या मेल पर रख लेना, या फिर अपने फैमिली में किसी भी ऐसे बच्चे को दे देना या फिर सीनियर को दे देना जो चीज़ों को संभाल के रखता हो, क्योंकि जब भी आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा तो ये जो है PDF आपसे मांगा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं सारी की सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर अवेलेबल है। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको BHEL की डिटेल्स जाननी है तो BHEL का फॉर्म भी आज रात में कोशिश करूँगा लेकर आ जाऊँ और उसकी डिटेल वाली वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगी तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और अगर आप चैनल पर न्यूली आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।